जितने भी हमारे डरमेट है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स है, प्लास्टिक सर्जन्स है, उनको अपना झोला उठा के घर बैठ जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में हमारे एक नए सलमान भाई आए हैं। स्वागत तो करो हमारा। वो वाले सलमान भाई नहीं, अपने बिग बॉस वाले। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? नए सलमान भाई आए हैं। एलोफेसिया वालों को 15 मिनट के अंदर आंख में पानी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी दवाई लगने के बाद। एलोपीसिया एरियाटा तो छोड़ो, हेयर लॉस का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, हेयर लॉस का भी ट्रीटमेंट। और एक कमला पसंद पकड़ लो यहाँ से। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक और नई वीडियो आज आप लोगों के सामने, और आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और एक कमला पसंद पकड़ लो यहाँ से। प्लीज वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है लोगों को, मतलब मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। और जो ये आज की वीडियो है, ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, ताकि इनको इन फ्यूचर कोई गलत फहमी ना हो रिगार्डिंग हेयर लॉस का जो ट्रीटमेंट है उसके रिगार्डिंग, और बाकी जो अदर कंडीशंस है बालों की उसके रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाली है, तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैं लूँगा, तो प्लीज़ ये अपना कीमती समय मुझे थोड़ा सा देने की कोशिश करना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे डरमेट है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स है, प्लास्टिक सर्जन्स है, उनको अपना झोला उठा के घर बैठ जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में हमारे एक नए सलमान भाई आए हैं। स्वागत तो करो हमारा। वो वाले सलमान भाई नहीं, अपने बिग बॉस वाले। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? नए सलमान भाई आए हैं, जो कि एलोपीसिया एरियाटा तो छोड़ो, हेयर लॉस का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, हेयर लॉस का भी ट्रीटमेंट। और एक कमला पसंद पकड़ लो यहाँ से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी। एलोपीसिया एरेटा चलो ठीक है, ये बहुत एक कॉमन कंडीशन है, लोगों ने इसको इतना हाइप बना दिया है इस कंडीशन का, कि सोच रहे हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी बीमारी है, सही होगी नहीं होगी, कैसे सही होगी ये वो। और इसी के चलते चलते भेड़ चाल में एक बॉल्डनेस का भी हम ट्रीटमेंट कर देंगे, बॉल्डनेस का भी, गंजेपन का इलाज हम कर देंगे। जिनको गंजापन है वो 5 मिनट में अपना सर धो लो दवाई लगा के, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में। 5 मिनट के अंदर सर धोना नॉर्मल वालों को, एलोफेसिया वालों को 15 मिनट के अंदर। और जिनको एलोपीसिया एरेटा है वो 15 मिनट में सर धो दो। चलो एलोपीसिया एरेटा का समझ में आता है, ठीक है आप उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंजेपन का इलाज भाई पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं मेरे दोस्त बहुत सारे, और बहुत सारे पेशेंट्स जो अपना ट्रांसप्लांट करा के एक अच्छा खासा रिजल्ट पा चुके हैं, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम पहले ही इस ओर चले जाते हैं। रही बात बॉल्डनेस की, तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, एलोपीसिया एरेटा से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो आप इन दोनों को कोलैप्स नहीं कर सकते और एक ही ट्रीटमेंट की तरफ नहीं घुस सकते इस चीज़ के लिए, तो डिफरेंस समझना होगा। तो डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं एलोपीसिया एरेटा। एलोपीसिया एरेटा होता क्या है, इस बारे में बात करते हैं। और मैं ये आपको कहाँ से बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ये मैं खुद से आप लोगों को, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं खुद से आप लोगों को इतनी नॉलेज दे सकूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स, एमडी डर्मेट एम्स के 2-3 डॉक्टर एम्स के, और आपका आर्टिकल्स जो छपते हैं किसी बीमारी को लेके, पब्लिश्ड आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट, वहाँ से मैंने रिसर्च किया, बहुत सारा पढ़ा इस चीज़ के बारे में। तो कंक्लूजन ये निकला मेरा कि ये बहुत बड़ी कंडीशन है नहीं। मैंने डॉक्टर्स की वीडियोस देखी, उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि ये एक बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है। तो अब समझते हैं कि एलोपीसिया एरेटा होता क्या है। एलोपीसिया एरेटा में अचानक से बाल किसी भी बॉडी पार्ट से झड़ सकते हैं, बेसिकली आपके स्कैल्प एरिया में आपको पैचेस दिखाई देंगे कॉइन साइज, तो इस तरीके से बाल कुछ झड़ते हैं एलोपीसिया एरेटा में, और ये कहीं भी हो सकता है, बेसिकली स्कैल्प एरिया में देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपके मुस्टेचेस, बियर्ड्स, बॉडी में जहाँ भी आपके बाल है ये वहाँ पर दिख सकता है, और पैचेस, सिंगल डबल पैचेस भी हो सकते हैं या मल्टीपल पैचेस भी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बॉल्डनेस एकदम से आ जाता है एलोपीसिया एरेटा में। ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग इम्यून डिजीज़ है, क्रॉनिक यानी थोड़ा
लंबा चलने वाली रिलैप्सिंग यानी इसके रिकरेंस के चांसेस रहते हैं, बार बार आने के चांसेस रहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, खुद की बॉडी ही इसे जन्म दे रही है। तो ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग ऑटोइम्यून डिजीज है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक से बाल पैचेस फॉर्म में या अलग अलग थोड़ा शेप ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कॉइन शेप्ड में जनरली जो है एकदम से झड़ जाते हैं। अचानक से इस तरीके से बालों का गायब होते देख कई बार लोग घबरा जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि क्या ये बाल वापस आएंगे या ये परमानेंट चले गए हैं, और अगर बाल वापस आएंगे तो कितने टाइम बाद आएंगे, और ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को देने वाला हूँ, और मेरी इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो एम्स के MD डॉक्टर्स, आप लोग समझ सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डर्मेट हमारे इंडिया में होते हैं, और वो भी एम्स के, तो आप समझ सकते हैं कि कितने होनहार डॉक्टर्स होंगे। तो वहाँ से मैंने कुछ वीडियो का जो रेफरेंस है कुछ वहाँ से लिया, कुछ यहाँ से आर्टिकल्स पढ़े, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और आज आप लोगों के सामने एक वीडियो रख रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आप लोगों ने देखा कि बॉल्डनेस या हेयर लॉस इस कंडीशन में किस तरीके से होता है, कॉइन शेप्ड होता है, पैचेस बन जाते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि जनरली इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं देखा जाता है। डिस्कम्फर्ट यानी कोई इचिंग ना कोई पेन, इस तरीके की कोई कंडीशन होती नहीं है, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें एलोपेशिया एरेटा है। कई बार क्योंकि ऐसे पार्ट में होता है कि सपोज हेड के पीछे हो गया, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें ये कंडीशन हो गई है। कई बार 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 हमें बताते हैं कि यार आपके इस जगह से बाल गायब हो गए हैं सडनली, कई बार ऐसा होता है, तो फिर हमें पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। एलोपेशिया एरेटा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इम्यूनिटी जो नॉर्मली आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करती है, वही आपके बॉडी के कुछ सेल्स के अगेंस्ट में और एक्टिव हो जाती है। अब ये कौन से सेल्स है, ये है हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स जो सेल्स है उसके अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है, और वहाँ से जो हेयर फॉलिकल्स है वो बालों को ग्रो करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये एक टेम्पररी फेज होता है, ये परमानेंटली बहुत रेयरेस्ट, बहुत कम चांसेस है कि ये परमानेंटली होगा, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो 100% 99 to 100%। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन डॉक्टर्स की वीडियोस जो मैंने देखी और जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े ये उसमें था कि ये बीमारी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जनरली कहें तो ये बीमारी ईजिली ठीक हो जाती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके हेयर फॉलिकल जो सेल्स है उसके खिलाफ एक्टिव हो जाती है, और जिस वजह से हमें ये कंडीशन झेलनी पड़ती है। सो अब बात करते हैं एलोपेशिया एरेटा। एक तो नॉर्मली आपने देखा कॉइन शेप्ड पैचेस हो गए हैं, तो ये एलोपेशिया एरेटा के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे एलोपेशिया टोटेलिस। टोटेलिस में क्या होता है कि सपोज आपके पूरे स्कैल्प से ही बाल गायब हो गए हैं इसकी वजह से, तो ये एलोपेशिया टोटेलिस में आ जाता है कि पूरा बॉल्डनेस आ गया सर पे, सर पूरा गंजा हो गया। तो ये किसी भी पार्ट से आप स्कैल्प ले लीजिए कि पूरे बाल ही चले गए तो वो एलोपेशिया टोटेलिस हो गया, या बियर्ड के पूरे बाल अचानक चले गए तो वो भी एलोपेशिया टोटेलिस हो गया। अब आता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी से ही बाल चले गए, सर आईब्रो मोस्टैच बियर्ड बॉडी में जहाँ भी आपके बाल है वो सारे ही चले गए, तो ये यूनिवर्सलिस में आ जाता है। अब ये दोनों कंडीशन से आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये लेस देन 1%, मतलब एलोपेशिया एरेटा की जो टोटल कंडीशन है उसमें लेस देन 1% ये कंडीशन होती है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कंडीशन से आप लोगों को सफ़र करना पड़े। जनरली जो नॉर्मल एलोपेशिया एरेटा होता है जिसमें पैचेस वगैरह क्रिएट हो जाते हैं सिंगल डबल और मल्टीपल, यही देखने के लिए मिलता है। टोटेलिस और यूनिवर्सलिस के केस बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए, और अगर ये किसी को होता भी है तो ये भी ट्रीटेबल है, इसके लिए भी घबराने की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब पता कैसे चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि हमें एलोपेशिया एरेटा हुआ है, और डॉक्टर कैसे एग्जामिन करते हैं? तो देखिए जनरली तो देख के पता चल जाता है, पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, सडन हेयर फॉल हो जाता है, वहाँ से वो जगह साफ़ हो जाती है तो पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन स्किन बायोप्सी भी कई बार डॉक्टर करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट आपको रिकमेंड करेंगे, डर्मोस्कोप से आपकी जो स्किन है उसको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। तो कुछ ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है जो एग्जामिन करने के लिए किए जाते हैं कि कंडीशन एलोपेशिया एरेटा। नेल्स में कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, नेल्स काफ़ी रिजिड और रफ हो सकते हैं, 20% केसेस में देखा जाता है कि नेल्स काफ़ी रिजिड रफ हो गए हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है, ये सारी चीज़ें देख के पता लगाया जाता है कि एलोपेशिया एरेटा
आपको हुआ है या ये कंडीशन जो आपकी है सर की, अभी बालों की जो कंडीशन है एलोपेशिया एरेटा की है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरली अगर आप किसी अच्छे डर्मेट पे जाएंगे, डॉक्टर पे जाएंगे, तो वो आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे या इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, कितने टाइम तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, ये सारी बातें अब आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, होता क्या है कि कई डॉक्टर्स का ऐसा कहना है, एम्स के डॉक्टर्स का, एम्स के डॉक्टर है तो सही ही बोल रहे होंगे, रिसर्च करी होगी, देखे होंगे बहुत सारे, क्योंकि वो एक दो पेशेंट नहीं देखते हैं, वो देखते हैं हज़ारों लाखों पेशेंट, तो उनको पता होगा कि इस कंडीशन में क्या क्या होता है। तो कई बार उनका कहना ये है कि 1, 2, 3, 4 पैचेस तक अपने आप ठीक हो सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और ये कंडीशन कई बार अपने आप ठीक हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से मंडोली जा रहे हैं और बालों में दुनिया भर की चीज़ें लगा रहे हैं और फिर उसके बाद ये चीज़ें आपकी सही हो गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये कई बार कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है 2-3 पैचेस, क्योंकि जितना मुझे याद है, मैंने एक बार आज से 7-8 साल पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की को हुआ थी यही कंडीशन, पैचेस बन गए थे। उस टाइम मेरे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके पैचेस खुद ब खुद कुछ टाइम बाद ठीक हो गए। तो ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है, ये मैं कहानी बना के नहीं सुना रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे ध्यान आया जब मैं ये वीडियो बना रहा था कि हाँ ऐसा उसके साथ भी हुआ था। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, छोटी है वैसे काफ़ी मुझसे, तो उससे मैंने पूछा कि तेरे ये हुआ था तो तेरा ये चीज़ कैसे ठीक हुई। उसने बोला भैया अपने आप ठीक हो गई थी, उस टाइम मैं रुकी तो अपने आप ठीक हो गई थी। तो अपने आप ठीक हो जाती है कई बार ये कंडीशन, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान भरोसे किसी भी ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ना है। कई बार लोग घरेलू नुस्खे कर लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, सोचते हैं हम उस चीज़ से ठीक हो गए 1-2 पैचेस, लेकिन ये कंडीशन आपकी ठीक होनी है, घबराने वाली बात ही नहीं है, ये कंडीशन आपकी ठीक होनी है। तो कई बार ये कंडीशन ऑटोमेटिकली खुद से ठीक हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने ये घरेलू नुस्खा किया है तो उस वजह से ये कंडीशन ठीक हो गई है। तो ये कंडीशन ठीक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंडीशन को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बार बार कह रहा हूँ, इंडियन डर्मेट बेस्ट है वर्ल्ड में, प्लीज़ कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, अगर 1-2 पैचेस है, 2-3 पैचेस है, तो डॉक्टर्स जनरली जो है टॉपिकल सॉल्यूशंस वगैरह या कोई क्रीम आपको दे देंगे अप्लाई करने के लिए, और ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, आप घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके मल्टीपल पैचेस हैं, मल्टीपल बहुत सारे पैचेस है या बड़े बड़े पैचेस है, तो मे बी स्टेरॉइडल इंजेक्शन आप लोगों के लिए यूज़ किए जाएं और ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। बिल्कुल क्यूरेबल है कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्यूरेबल हो जाती है कंडीशन, ये तो सही हो जाएगी। और सपोज़ अगर टोटलिस या यूनिवर्सलिस है या ज़्यादा एरिया में एलोपीशिया एरेटा आपका फैल चुका है, तो इस कंडीशन में आपको कुछ ओरल मेडिसिन्स भी दी जा सकती है जो थोड़े लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन कंडीशन इसमें भी क्यूरेबल है, कंडीशन यहाँ भी आपकी ठीक हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स डॉक्टर आपको देते हैं इस कंडीशन के दौरान। तो नॉर्मल है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ज़्यादा घबराने वाली चीज़ है नहीं, और नॉर्मल सी चीज़ है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, अपने आप ही ठीक होने का दम रखती है। बेसिकली जो इसकी ट्रीटमेंट का जो फंडा है, इसकी ट्रीटमेंट का जो मेन फंडा है, वो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको सेलेक्टिव वे में सरप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव है अगर तो सरप्रेस्ड किया जाता है वो इम्यूनिटी जो आपके हेयर सेल्स को, हेयर फॉलिकल्स को अटैक कर रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ को रोक रहे हैं, तो इम्यूनिटी को थोड़ा सरप्रेस्ड करके वो कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है और आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेलेक्टिव वे में सरप्रेस्ड करते हैं, और ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक अच्छे डर्मेट ही कर सकते हैं, तो आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा सरप्रेस्ड हो गई तो ये आपके ओवरऑल बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने एलोपेशिया एरेटा के लिए इस बंदे के लिए ये ट्रीटमेंट लिखा है, ये मेडिसिंस लिखी है, तो मैं भी यही ले लूँ, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, सबकी अपनी अपनी स्टेजेस होती है, और सबकी इम्यूनिटी को उसकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर सरप्रेस करते हैं कि इसको कितनी ज़रूरत है मेडिसिंस की, या अदर पर्सन को किस मेडिसिंस की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी MG क्या रखनी है, कितनी MG की इस पेशेंट को देनी है, दूसरे पेशेंट को देनी है, वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। लेकिन सेलेक्टिव वे में इम्यूनिटी को सरप्रेस किया जाता है, मतलब बैलेंस बनाना है आप लोगों को, कि ज़्यादा सरप्रेस भी ना हो कि बॉडी को नुकसान झेलना पड़े, और इतनी सरप्रेस्ड हो जाए इम्यूनिटी कि हमारी जो ये कंडीशन है ये ठीक हो जाए। तो ये एक डॉक्टर ही करेंगे बिल्कुल, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। ये करने के बाद आपकी हेयर की ग्रोथ जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब हेयर की ग्रोथ होती है तो कई बार बाल वाइट और क्वाइट ब्राउन देखने के लिए मिल सकते हैं आप लोगों को, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन ठीक होती है तो बालों का अपना जो कलर है वो नेचुरली वापस आने लगता है। अब
चांसेस क्या हैं इसके ठीक होने के, कितने परसेंट चांसेस है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया और बहुत सारे डॉक्टरों का रेफरेंस भी लिया मैंने कि इसके चांसेस जो है वो 99-100% डॉक्टर्स कहते हैं। तो जब डॉक्टर्स कह रहे हैं और एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं तो सोच समझ के ही स्टडी करके ही बोल रहे होंगे। अब ऐसा क्यों कि ये इतनी जल्दी ठीक हो जाता है? अच्छी बात यह है कि जो ऑटो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, जिसके वजह से इसके ठीक होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। जी हाँ, ठीक होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, यानी कि आपका ठीक हो जाएगा। एलोपीशिया एरेटा कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन के साथ आपकी एसोसिएटेड हो सकती है, जैसे कि विटिलिगो, थायराइड और डायबिटीज़, बहुत सारी। तो ये सारे टेस्ट, थायराइड टेस्ट वगैरह डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, और आपके कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, स्किन बायोप्सी वगैरह, ये सब तो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट रिकमेंड करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं रिकवरी की। तो रिकवरी इसकी होती है लगभग 2-4 महीने में। 2-4 महीने में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिलेगी और आपकी कंडीशन जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। अब एक और चीज कि इसके रिकरेंस के चांसेस भी होते हैं। हो सकता है कि आप ठीक हो जाएं, चाहे आप कहीं से भी ठीक हो, एलोपेशिया एरेटा का ट्रीटमेंट आप कहीं से भी करा रहे हो सकता है आप ठीक हो जाओ बिल्कुल, लेकिन रिकरेंस के चांसेस है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, या 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये कंडीशन दोबारा वापस आपकी आ सकती है, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि दोबारा बिल्कुल वापस आ सकती है। तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, फिर आप जब भी ये कंडीशन वापस आती है आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। वैसे तो जनरली एक बार ठीक होने के बाद टाइम लगता ही है, या कई लोगों की नहीं भी आती है वापस, लेकिन आ सकती है, रिकरेंस के चांसेस भी होते हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, नॉर्मली आपको ट्रीट करेंगे और आप वापस पहले जैसे सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं मिथ्स की। कुछ मिथ्स होते हैं। मिथ नंबर 1 कि क्या ये कंडीशन जो है ये सर कीड़ा खाने की वजह से हुई है, डॉक्टर से हम सवाल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है कि ये कीड़ा खाने की वजह से या ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या किसी पर्टिकुलर फूड के खाने से हुई है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये पर्टिकुलर किसी फूड वगैरह के खाने से भी नहीं होती है, या कोई मेडिसिन लेने से हुई है? तो नहीं, मिथ नंबर 3 ऐसा भी नहीं है, कोई मेडिसिन लेने से नहीं होती है, है ना। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो किसी को भी हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे, जेनेटिक भी एक फैक्टर होता है, स्ट्रेस एक फैक्टर होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब तक इसके ऊपर रिसर्च ही चल रहा है कि ये होता क्यों है आखिर। एक सटीक एक्यूरेट आंसर तो इसका आज तक नहीं आया है। किसी को भी हो सकता है, लेकिन कई बार बहुत सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी कंडीशन से एसोसिएट किया जाता है, थायराइड, डायबिटीज़, विटिलिगो वगैरह से। तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि ट्रीटमेंट बहुत इजी है, डॉक्टर बहुत इजीली ट्रीट कर लेते हैं, सक्सेस रेट बहुत हाई है। किडनी स्टोन्स का आप इलाज कराने जाइए, इसका भी सक्सेस रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसका है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंडीशन आपकी ठीक होनी ही है, ऐसा घबराना नहीं। अब बात करते हैं कि मार्केट में ट्रीटमेंट आया है। जी सही सुना आप लोगों ने, मैं जनरली, मेरे को पता नहीं था, मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियोस, लेकिन दिक्कत वहाँ हुई मुझे कि भाई बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सच बोलूँ तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस अलग चीज़ है, ये कंडीशन अलग चीज़ है। मे बी इन्होंने कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ वगैरह ईजाद कर दी हो। दवाई फ्री लगाता हूँ, जो कुछ जड़ी बूटी है मैं जंगल से लाता हूँ, और कुछ जड़ी बूटी इसमें चलती है वो मैं खरीद के लाता हूँ। क्योंकि हमारे इंडिया में आप लोगों को पता है जड़ी बूटी ईजाद करने में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। हम लोग रिजीम ले आते हैं हेयर लॉस, बॉल्डनेस, थर्ड फोर्थ ग्रेड के बॉल्डनेस के लिए किराया जैसे रिजीम ले आते हैं कि हम थर्ड फोर्थ ग्रेड का बॉल्डनेस सही कर देते हैं। फिर बंदा हज़ारों रुपये लगाता है, फिर लास्ट में आता है हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही है। हेयर लॉस की कंडीशन में, बॉल्डनेस की कंडीशन में, मेल पैटर्न बॉल्डनेस की कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो आदिवासी ऑयल जो बना रहे हैं उन्होंने भी क्लेम नहीं किया था कि हम बॉल्डनेस को सही करते हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि हम बालों की थिनिंग वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, बालों को थोड़ा डेंस कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने भी ये बोला था, उन्होंने भी ये नहीं बोला था कि हम गंजेपन का इलाज कर देंगे। नहीं, गंजेपन का इलाज जो है वो सिर्फ एकमात्र ट्रांसप्लांट ही बचता है। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो जगह, वो सरफेस एकदम चिकनी हो चुकी है, तो बिलीव मी, आप कुछ भी लगा लीजिए जो वो तेल बेच रहे हैं हमारे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो बोलते हैं कि 15 मिनट में सर धो लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, 5 मिनट के अंदर सर धोना नॉर्मल वालों को, एलोफेसिया वालों को 15 मिनट के अंदर, और नॉर्मल गंजेपन वाले देख सकते हैं वीडियो में 5 मिनट में सर धो लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एरेटा का मे बी
इनकी कुछ मेडिसिन जो भी जड़ी बूटी बनाई है उससे थोड़ा बहुत असर इरेटा में हो चुका हो, और मे बी किसी के एक दो पैचेस हो तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो चुके हों, लेकिन एक मन में ये रहता है कि यार मैं वहाँ गया था और मेरी ये दवाई लगाई और मेरी ये कंडीशन सही हो गई, तो मे बी हो गई हो, वो कंडीशन आपकी सही होनी थी, आप यहाँ से नहीं आप वहाँ से इलाज कराते आपकी ये कंडीशन सही होती। अमेरिका तक से इलाज करा था लड़की ने, सुने वो मंगलवार हर मंगलवार को आती है अमेरिका तक से। भाई साहब पहले तो मुझे समझ में नहीं आता अमेरिका से कौन आ रहा है इनके पास इलाज करवाने, बहुत वीडियोस में बोला इन्होंने मेरे पास अमेरिका से लोग आ गए, अरे भाई मेरे वो अमेरिका है यार, ठीक है तो वहाँ से आ गए होंगे आपके पास, ठीक है मे बी आप एरेटा का इलाज कर दे रहे हो लेकिन गंजेपन का इलाज आप नहीं कर सकते, सरासर मान लीजिए ये बात, वरना बहुत सारे नोन मेरे ऐसे हैं जो आपके पास आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में मेरे बहुत सारे नोन हैं जिनको बॉल्डनेस की समस्या थी, आप चाहते हैं कि मैं उनके साथ वीडियो बनाऊं तो मैं बिल्कुल बना लूंगा, लेकिन उनको गंजेपन की प्रॉब्लम थी। एक जो हमारे में एक ये होता है ना कि उम्मीद जगाना, लोगों में झूठी उम्मीद जगाना बहुत गलत चीज़ है, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलता कि आप लोगों ने जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया आप लोग वहाँ से कराइए, आप लोगों की अपनी मर्जी है, मैंने जहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया मुझे रिजल्ट आया, अगर मैं किसी क्लिनिक को प्रमोट भी कर रहा हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर चीज़ प्रमोट होती है, चाहे वो नाइकी का शूज़ हो या एडिडास की टी शर्ट हो या कुछ भी हो, प्रमोशन हर चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो चीज़ आपको रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ओवरऑल ऐसा है कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है, मतलब ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 95-97% है हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट, इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ है, सब कुछ मतलब स्टडी हुई है, साइंटिफिक स्टडी हुई है बहुत लंबी चौड़ी, तब जाके ये चीज़ निकली है कि सक्सेस रेट इतना है, मे बी कुछ एक आध दो के रिजल्ट फेल होते भी हों, लेकिन सक्सेस रेट आप देखिए, हम लोग डॉक्टर्स जो है वो 90%, 80%, 50% में चले जाते हैं ट्रीटमेंट करने, तो more than 90% अगर किसी चीज़ का सक्सेस रेट है तो वो ट्रीटमेंट करवाने में मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई दोराय है, और हेयर ट्रांसप्लांट भी उनमें से एक है, मे बी मेरा रिजल्ट नहीं आता, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बैठा रहता, लेकिन मेरा रिजल्ट आया क्योंकि मेरा ट्रांसप्लांट एक अच्छे क्लिनिक से हुआ, मुझे अफोर्डेबल कॉस्टिंग मिली, मैंने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया, लेकिन अगर मैं अपने गंजेपन के लिए इनके पास चले जाता या ऐसे किसी के भी पास चले जाता, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की है, ऐसी नहीं है कि दुनिया में एकमात्र जड़ी बूटी बनाने वाले इंसान ये पहले हैं, बहुत लोगों ने बनाई है, बहुत सारी रेमेडीज़ होम रेमेडीज़ से लेके ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो एलोपैथी हो सब ले लिया, लेकिन जब बॉल्डनेस आता है ना, जब मेल पैटर्न बॉल्डनेस आता है और आप पहुंच जाते हैं अच्छे खासे ग्रेड में, तो बिलीव मी हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन, लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनकी वीडियो मैंने देखी, वीडियो में देखेंगे आप एलोपेशिया एरेटा के पेशेंट बहुत कम, एरेटा के पेशेंट हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, होंगे पेशेंट, लेकिन जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस से गुजर रहे हैं, जो थर्ड फोर्थ ग्रेड में पहुंच रखे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके बाल वापस आ जाएंगे, तो बिलीव मी भाई लोगों, अगर आप लोग थर्ड फोर्थ ग्रेड में हो आप लोग अपनी कंडीशन शेयर कीजिए मेरे साथ, थर्ड फोर्थ ग्रेड के लोग बोल रहा हूं मैं, जिनके स्कैल्प प्लेन हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी प्रीवियस कंडीशन, तो कई बार हम ऊपर से फोटो लेते हैं तो ये स्कैल्प जो है वो थिन दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअल में, वहां पर ऑलरेडी डेंसिटी होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे फ्रंटल पार्ट में प्रॉब्लम थी, ओवरऑल स्कैल्प मेरा अच्छा था, लोग कहते हैं कि भाई आपकी मिड की डेंसिटी कैसे बढ़ गई, मैंने वहाँ कुछ यूज़ नहीं किया और डेंसिटी अच्छी थी, लेकिन कई बार आप फोटोज़ क्लिक करेंगे तो ये जो पार्ट है आपका वो थोड़ा थिन ही आता है, तो ऐसा ही होता है, अगर उसमें बाल आ भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ से स्किन प्लेन हो चुकी है, जहाँ पर नहीं है, जहाँ गंजापन जो आप बोलते हैं कि गंजेपन वालों 5 मिनट में सर धो लो, 2-3 बार आओ रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आता है, बिलीव मी नहीं आता है, और बहुत सारे पेशेंट हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ वीडियो बनाऊँ ज़रूर, जो बॉल्डनेस से गुजर रहे थे, जो वहाँ गए उन्होंने अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, पैसा बर्बाद में क्यों बोल रहा हूँ, ये हर चीज़ में फ्री 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 कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपकी इस चीज़ की सराहना करता हूँ कि चलो आप एलोपेशिया एरेटा का जो है वो सस्ते में लोगों का ट्रीटमेंट कर दे रहे हो और निपटा दे रहे हो, ठीक है, और वो ठीक भी हो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है, क्यूरेबल कंडीशन है, जैसा कि डॉक्टर्स कहते हैं ये क्यूरेबल कंडीशन है और 99-100% सक्सेस रेट है, इसमें आदमी सही हो जाते हैं, लेकिन जहां आप बोल रहे हो 5 मिनट में अपना सर धो देना और गंजेपन वाले, तो भाई नहीं होंगे वो सही, उनको लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा, और 500-800 रुपये की जो भी आप मेडिसिन बेच रहे हो, क्योंकि ये तो पब्लिक को पता ही चल चुका है कि फ्री जैसा कुछ नहीं है, 800-1000 रुपये तो आपके खर्च होने ही होने हैं, और अगर कहीं दूर से आ रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर जो भी है अपना ट्रैवल का वो भी खर्च होगा ही होगा, ये सब खर्चे होंगे ही, लेकिन मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, एलोपेशिया एरेटा आप लोगों को है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आप लोगों को डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं है,
अब एम्स के डॉक्टर भी ऐसे कह रहे हैं कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, क्योरेबल कंडीशन है और इजीली ट्रीट कर सकते हैं इसको, एक दो पैचेस है तो जनरली खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं या क्रीम वगैरह टॉपिकल सॉल्यूशन से रिजॉल्व हो जाते हैं, और ज़्यादा पैचेस है तो थोड़े बहुत इंजेक्शन रिक्वायर्ड्स होते हैं, लेकिन सही हो जाती है कंडीशन। अगर आप लोगों को डॉक्टर्स पर ट्रस्ट नहीं है ट्रस्ट, तो कोई बात नहीं, आप लोग मूव कर सकते हैं इनकी तरफ एलोपीशिया एरेटा के लिए। मैं होता तो मैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं नहीं जाता ऐसे ही कि जहाँ पर एक ही ब्रश से हज़ारों लोगों को बेल दिया, मतलब लगा दिया सर पे हज़ारों लोगों के। कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसको पकड़ोगे बाद में, क्या केस भी नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है। कोर्ट भी यही बोलेगा कि तुम्हें बोला किसने कि तुम ऐसे ही किसी के भी पास चले जा रहे हो, कोई डिग्री है, कोई क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड, कुछ है? डरमैट पे जाते एटलीस्ट कल की डेट में बोल तो सकोगे कि मैंने इससे ट्रीटमेंट कराया था, इसने मेरी ये कंडीशन ख़राब कर दी, अगर वो करते हैं। वैसे तो कंडीशन ख़राब होती नहीं है, क्यूरेबल कंडीशन है, और डॉक्टर्स आपकी कंडीशन को पहले से बेहतर करने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ट्राई करना है एलोपीसी एरेटा के लिए, आप लोग ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर से जाते हैं तो कर सकते हैं ट्राई। लेकिन बॉल्डनेस, जहाँ रही मेल पैटर्न बॉल्डनेस की बात, एंड्रोजेनिक एलोपीशिया जिसको बोलते हैं, तो ये कंडीशन आपकी सही नहीं होगी। मैं लिख के देता हूँ, ये कंडीशन सही नहीं होगी, लास्ट में आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो बहुत लोग इनकी वीडियोस बहुत टाइम से, एक मुराद नाम से एक हमारे पेशेंट है, जल्दी ही अपना ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं दिल्ली में, दिसंबर में इनका ट्रांसप्लांट है, और इनके साथ वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं। क्या ये अपना वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे? इनके तो पैसे बच जाते ना, 800-1000 रुपये में इनका बाल आ जाते, गंजापन दूर हो जाता, एक जड़ी बूटी लगानी थी, 5 मिनट बाद बालों में पानी डालना था। एरेटा वालों को 15 मिनट में ये भाई डालने के लिए बोलते हैं, और गंजेपन वालों को 5 मिनट में, 5 मिनट में पानी डालना था सिर पे, और 2-4 बार जाना था और बाल आ जाते, 3-4 हज़ार का टोटल खर्चा, फ्री तो नहीं है भाई, ये तो क्लियर है, फ्री नहीं है, 3-4 हज़ार का टोटल खर्चा और बाल आ जाते। क्या ये नहीं करा सकते थे? ये तो वहीं रहते हैं नियर बाय में, लेकिन ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एकमात्र ट्रीटमेंट है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। कोई भी रेजीम, कोई भी ऐसा नुस्खा, कुछ भी चीज़, अगर आप बॉल्डनेस के शिकार हो गए हैं और एक अच्छे खासे ग्रेड में पहुंच चुके हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। तो फ़र्क समझना है आप लोगों को, कि आप लोगों को एलोपीशिया एरेटा है या आप लोग मेल पैटर्न बॉल्डनेस से गुजर रहे हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाले अगर आप अननेसेसरी कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, ये मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें मैंने भी ट्राई करी है, बहुत सारी चीज़ें के आयुष्मान ने ट्राई नहीं करी होगी, बहुत यंग था वो, तो मतलब 22-23 साल का है वो, तो उसने ट्राई, मनीष ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करी होगी, दुनिया भर की चीज़ें ट्राई कर ली होंगी। और जो पेशेंट जावेद सर, जिनकी मैं वीडियो लाया था, जो एक इंडियन टीम के हमारे प्लेयर है, जिनकी मैं वीडियो लाया था इंटरनेशनल इंडियन टीम के, और कैप्टन भी है, जो डांस दीवाने शो में भी आ चुके हैं, उन्होंने भी बहुत सारी रेजिम ट्राई करी होगी। वो तो एक अच्छा खासा नाम है अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए, हम तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो एक लेवल पे हैं सर, उन्होंने भी, लेकिन फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट उन्हें करवाना पड़ा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मेरे को तो लगता है एल्विस भाई को भी यहाँ लाइन में लग जाना चाहिए था, और इनके भी बाल आ जाते हैं, नहीं? शमी भाई अपने हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने फालतू में ही करवाया, उनको भी लगता है मेरे को यहाँ पे गंजापन में बस जड़ी बूटी मारते सर में, 5 मिनट में पानी डालते बाल आए थे। अब हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करें, हेट कमेंट्स आए, कुछ भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, देखो एलोपीशिया एरेटा का ट्रीटमेंट मे बी वो कर रहे हों, मे बी लोग ठीक हो जा रहे हों, क्योंकि कई बार लोग होम रेमेडीज से भी एलोपीशिया एरेटा में सही हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग सही हो जाते हैं, ठीक है, हो सकता है वो भी एलोपीशिया, लेकिन मेल पैटर्न बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट वो नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आप लोगों को एलोपीशिया एरेटा के बारे में सब कुछ बता दिया है, जितना मेरे से हो सका, जहाँ जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से मिली, मैंने सबको मिला जुला के आप लोगों को बता दिया। तो ये थी आज की वीडियो, और मैं चाहता हूँ आप लोग एक जागरूक नागरिक बने, आप लोगों को देखना है कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपको एलोपीशिया एरेटा है या मेल पैटर्न बॉल्डनेस एंड्रोजेनिक एलोपीशिया है, आप लोगों को डिफरेंस समझना है, फिर आपको जो है आगे ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना है। ये नहीं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस का एकमात्र लास्ट में ट्रीटमेंट बचा है हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट, अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो गई है तो भाई नहीं आने वाली वापस। मेरी ये कंडीशन थी, आप लोगों ने देखी, मनीष की ये कंडीशन थी, जावेद सर की ये कंडीशन थी, क्या हम इस तरीके का रिजल्ट जो आप अभी हम तीनों का स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा रिजल्ट देखिए, क्या हम इस कंडीशन में वो जड़ी बूटी लगा के गंजेपन का इलाज हम कर देंगे 800 रुपये में या फ्री में, जो भी है, क्या हम इस कंडीशन में आ सकते? बिल्कुल नहीं आ सकते। तो अननेसेसरी वहाँ पर जाना ही क्यों जहाँ पर उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, गंजेपन का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का वहाँ कोई इलाज नहीं है। तो आप लोगों को अपना जो इलाज है वो सही चुनना है कि आप लोगों को क्या करवाना है, जहाँ से आपको सूटेबल लगे। लेकिन जो हम मेरे दोस्त भाई जो भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस से गुजर रहे हैं, वो
बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट करवाइए अच्छे से। अच्छा पहले कुछ मेडिकेशन ट्राई कीजिए, डर्मेट से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ रिलीफ मिलता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है, हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड हो चुकी है, तो बिलीव मी देर इज़ ओनली वन ऑप्शन अब तक, वह है हेयर ट्रांसप्लांट, और आपको उसी की तरफ जाना चाहिए अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो। वरना अगर आप ऐसे किसी ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो अननेसेसरी, ठीक है 1000-1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग यही कमेंट करते हैं, लेकिन वो 1000-1500 आप अननेसेसरी बर्बाद कर देंगे अगर आप मेल पैटर्न बोलने से गुजर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और सारी वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरा काम था आप लोगों को सही नॉलेज देना, सही चीज़ बताना कि हाँ अगर कोई एलोपेशिया एरेटा है से गुजर रहा है और उसको अगर जाने की सेल्फ की इच्छा है कि मुझे एक बार वहाँ ट्राई करना चाहिए, तो चले जाइए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पैसे हैं, आपका किराया है, सब कुछ आपका है। लेकिन अगर मेल पैटर्न बोलने से गुजर रहे हैं तो बिलीव में कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है, लास्ट में आपको ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ेगा। सो ये देखिए आप लोगों ने ओवरऑल वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जाते आते वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आयुष्मान की कंडीशन आप लोगों को दिखानी है कि आगे क्या चल रही है, और बहुत सारी केस स्टडीज़ आप लोगों के लिए लानी है, पेशेंट्स का रिजल्ट जो है वो कैसे कैसे आ रहा है, यंग पेशेंट्स का रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक कमला पसंद पकड़ लो यहाँ से।